कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक समिति की अध्यक्ष बिप्लव ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शिकायतों पर गहन मंथन भी किया गया। अनुशासन समिति की अध्यक्ष बिप्लव ठाकुर ने अनुशासन की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। ठाकुर ने कहा कि समिति के सभी सदस्यों को जिलावार जिम्मेदारी सौंप दी गई है और जो इन जिलाओं से संबंधित पार्टी की किसी भी शिकायत पर पूरा ध्यान देंगी और जांच रिपोर्ट उन्हें दी जाएगी, उसके बाद किसी की भी शिकायत पर पूरे गुण दोष के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़ा नेता हो या फिर छोटे से छोटा, नियम सबके लिए बराबर हैं। विप्लव ठाकुर ने कहा कि वे स्वयं कांगड़ा व शिमला जिला से संबंधित कांग्रेस पार्टी की शिकायतों को देखेंगी, जबकि विधायक मोहनलाल ब्राक्टा सोलन, सिरमौर और केवल सिंह पठानिया सचिव सदस्य के साथ साथ मंडी व हमीरपुर, चेतराम ठाकुर किन्नौर, लाहौल स्पीति व कुल्लू, संजय अवस्थी ऊना, चंबा व बिलासपुर का काम देखेंगे। विप्लव ठाकुर ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी नेता पदाधिकारी, अग्रणी संगठन और कांग्रेस पार्टी के सभी विभागों को कहा गया है कि वे अपने किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित जिला व ब्लॉक कमेटियों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को अवश्य दें। आज हमारी अनुशासन कमेटी की आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती विप्लव ठाकुर जी के नेतृत्व में जो है दूसरी हमारी अनुशासन कमेटी की बैठक धर्मशाला के सर्किट हाउस में हुई है। इसमें इस अनुशासन कमेटी में गुण और दोष के आधार पर आदरणीय अध्यक्षा जी जो है वो निर्णय लेती हैं। हमारे साथ चेतराम जी, अवस्थी जी और मैं खुद इसका सदस्य हूँ। जिस तरीके से आज कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति के 6 मामले ऐसे जो कि एग्जामिन हुए और आदरणीय अध्यक्षा जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि इनके ऊपर जो है वास्तविक जो है सच है वो चेतराम जी को उन्होंने ड्यूटी लगाई कि मौके पे जाकर डीसीसी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिन्होंने कंप्लेंट की है उनके साथ मिलके आप जो है सच है वो आदरणीय अध्यक्ष को हम भी दिन 15 डे जो है वो बताएं। इसी तरीके से मंडी के 13 मामले हैं, उस पर भी हमने ये निर्णय लिया है आदरणीय अध्यक्ष ने कि भाई डीसीसी और बीसीसी से मिलके वस्तु से जो अध्यक्ष जी को हम इसी तरीके से चंबा, ऊना और बिलासपुर के 5 ऐसे मामले हैं जो कि नोटिस जिसमें कुछ लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं और कुछ एक अनोनिमस कंप्लेंट आई है, वो अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ 2 आदमियों को जो है जिनकी इंक्वायरी भी हो चुकी थी, उनकी रिकमेंडेशन भी थी, उनको आज पार्टी की एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए जो है वो निकाला गया है। ये प्राथमिक सदस्य जो है वो उनको निकाला गया है। ये निर्णय जो है आज धर्मशाला में अनुशासन कमेटी की बैठक में हुआ।